ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 70,000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. आज भारत को उसकी राजनीति युवा भारत की ये मिसाल है नए भारत की. हमारी युवा शक्ति पूरी दुनिया में आशा और विश्वास भरती है. आज कौशल विकास से लेकर नवाचार और स्टार्टअप तक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार युवाओं की आकांक्षा, ऊर्जा और उत्साह को अवसरों से जोड़ रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं. आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं. मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं. जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बहुत महत्वपूर्ण समय है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और वो है पानी. और उसके लिए हमने चलाया है जल जीवन मिशन. ये जल जीवन मिशन उसके पीछे अब तक करीब करीब 4,00,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. 4,00,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. जब ये मिशन शुरू हुआ था तो ग्रामीण इलाकों में हर 100 में से, यानी 100 घर अगर गांव में है तो सिर्फ 15 घर ही थे जहां पाइप से पानी आता था. ये मैं एवरेज बता रहा हूं. 100 घर में से 15 घर में पाइप से पानी आता था. आज जल जीवन मिशन की वजह से हर 100 में से 62 घरों में पाइप से पानी आने लगा है और अभी भी तेज गति से काम चल रहा है. आज देश के 130 जिले ऐसे हैं, ये छोटा क्षेत्र नहीं है, 130 जिले ऐसे हैं जहां के हर गांव में हर घर में नल से जल आता है. और साथियों, जिन घरों में अब साफ पानी पहुंच रहा है वहां लोगों का समय भी बचा है. लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लाभ हो रहा है वो गंभीर बीमारियों से भी बचे हैं. पीने का शुद्ध पानी आरोग्य के लिए बहुत बड़ी औषधि बन जाता है. एक स्टडी में सामने आया है कि जब हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगा तो डायरिया से होने वाली 4,00,000 मौतें मौत होने से बच गई, 4,00,000 जिंदगियां बच गई. यानी जल जीवन मिशन 4,00,000 लोगों का जीवन बचाएगा.
ये स्टडी ये भी कहती है कि हर घर जल पहुंचने से देश के गरीबों के 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बचने वाले हैं। यानी गरीब के घर में पैसा बचने वाला है, मध्यम वर्ग के परिवार का पैसा बचने वाला है। ये पैसे वो पानी का इंतजाम करने में, पानी से होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च करना पड़ता था उनको। जल जीवन का एक और बड़ा लाभ ये भी होगा कि इससे महिलाओं का बहुत सारा समय भी बचेगा। इस रोजगार मेले में नौकरी पाने वाले आप सभी समझ सकते हैं कि सरकार की एक एक योजना का कितना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है।